एवरी बिजनेस हैज अ ड्रीम ऑफ सेलिंग ग्लोबली। हर कोई चाहता है उनका बिजनेस इतना बढ़े कि एक ग्लोबल ब्रांड बन सके। लेकिन जब भी हम किसी बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड करते हैं तो मेजरली चार टाइप्स के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला बिजनेस चैलेंजेस, दूसरा प्रोडक्ट चैलेंजेस, तीसरा लॉजिस्टिकल चैलेंजेस एंड चौथा लैंग्वेज एंड कल्चरल चैलेंजेस। सेम इज विद Amazon ग्लोबल सेलिंग। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9 मेजर चैलेंजेस ऑफ सेलिंग ग्लोबली ऑन Amazon एंड उन्हें किस तरह आप सॉल्व करके अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड कर सकते हैं। हो सकता है आपको चैलेंजेस सुन के लगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो रहने ही देते हैं, बट पर्पस आपको डराने का नहीं है। पर्पस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं सो दैट आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकें। अगर चैलेंजेस हैं तो उसका सॉल्यूशन भी है। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से मार्केट प्लेस से आप आसानी से अपना ग्लोबल बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड साथ ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको अपने आप ही उस मार्केट प्लेस के लिए कन्विंस कर देगा। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। बिफोर मूविंग अहेड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैलेंज नंबर 1, प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्री स्पेसिफिक कंप्लाइंसेस। Amazon पे प्रोडक्ट लिस्ट करने का प्रोसेस सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोस्ट प्रोडक्ट्स के केस में आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आराम से लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इवन दो लिस्टिंग करते वक्त कोई एरर नहीं दिखता या वार्निंग नहीं आती। इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग की पॉलिसीज के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स आप तभी लिस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। Amazon अज्यूम करता है कि आप Amazon पे बिजनेस करने से पहले उसकी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस को पढ़ेंगे एंड उनके अकॉर्डिंग ही बिजनेस करेंगे, बट मेजॉरिटी सेलर्स को ये नहीं पता होता एंड वो बिना पॉलिसीज जाने प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। एंड यही रीज़न है कि बहुत सारे सेलर्स कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स भी लिस्ट कर देते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में हैं या जिनके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। ऐसे में जैसे ही Amazon ये नोटिस करता है या कोई कंप्लेंट रेज करता है तो आपको नोटिस आता है एंड आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ग्लोबल सेलिंग के केस में ये इशू और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि Amazon के पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्शंस के अलावा हर कंट्री के अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंप्लायंसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने मैंडेटरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप इंडिया में सेल कर सकते हैं वो US या यूरोप में भी अलाउड हो, या जो प्रोडक्ट आप US में विदाउट रिस्ट्रिक्शन सेल कर सकते हैं वो मिडल ईस्ट में भी अलाउ हो। इसके अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें सेल करने के लिए हर कंट्री में अपने कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लाइक लाइसेंसेस, सर्टिफिकेट्स दैट प्रूव्स कि आपका प्रोडक्ट उस कंट्री के रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अगर कोई प्रोडक्ट Amazon पे सेल करना अलाउड है तो भी अगर आप कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट शिप करेंगे तो आप उस कंट्री के कस्टम को तभी क्लियर कर पाएंगे अगर आप उस कंट्री के प्रोडक्ट रिलेटेड लॉज फॉलो कर रहे हैं। अगर उस कंट्री में कोई लाइसेंस, सर्टिफिकेट या कोई और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है तो वो आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। क्वेश्चन ये आता है कि किस कंट्री में क्या अलाउड है और क्या नहीं, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये पता कैसे चलेगा। गुड पार्ट ऑफ सेलिंग ग्लोबली थ्रू Amazon इज कि Amazon ने मोस्टली प्रोडक्ट्स को खुद रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है या फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स लिस्ट करी हुई हैं। इट इज़ ऑल देयर इन इट्स पॉलिसीज। ऑल यू हैव टू डू इज कि आप जिस कंट्री में सेल करना चाहते हैं वहाँ के मार्केट प्लेस की पॉलिसीज पढ़िए। Amazon ने लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, साथ ही कैटेगरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी दिए हुए हैं एंड फर्दर उस कंट्री के स्पेसिफिक रूल्स आप कहाँ से चेक कर सकते हैं उसके लिए रेलिवेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स का लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। मेक श्योर टू चेक द लिस्ट बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग इन अ पर्टिकुलर मार्केट प्लेस। अगर आप न्यू सेलर हैं तो प्रेफरेबल यही है कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए जिसको लेकर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या रिक्वायरमेंट्स ना हो, एंड देन जब आपको प्रोसेसेस समझ आने लगें या थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होने लगे तब आप इस तरीके की कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चैलेंज नंबर 2, अदर प्रोडक्ट रिलेटेड चैलेंजेस।
प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी, साइजिंग एक्सेट्रा। सिर्फ Amazon की गाइडलाइंस एंड कंट्री स्पेसिफिक लॉज फॉलो करना ही एनफ नहीं है। अगर आप किसी कंट्री में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि क्या प्रोडक्ट वहाँ के कस्टमर्स के लिए काम का है भी या नहीं। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के केस में प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ किस टाइप के प्लग पॉइंट्स यूज होते हैं, क्या वोल्टेज यूज होता है, एक्सेट्रा। क्लोथिंग एंड फुटवेयर की बात करें तो वर्ल्ड ओवर साइजिंग के डिफरेंट मेजर्स यूज होते हैं। बहुत सारे लोकल ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके साइजेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइजेस से मैच नहीं होते हैं। व्हेन यू सेल लोकली इट स्टिल वर्क्स, बट जब आप इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं तो आपको साइजिंग पे ध्यान देना होगा, इंटरनेशनल साइज चार्ट बनाना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट, मुझे कुछ सेलर्स की क्वेरी आई है आस्किंग कि क्या मैं ग्लोबल सेलर अकाउंट लॉन्च करने में उनकी हेल्प कर सकता हूं? तो यस, आई डू प्रोवाइड द सर्विस टू लॉन्च ग्लोबल सेलर अकाउंट्स। अगर आपको कोई भी प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है एंड यू वांट हेल्प फ्रॉम मी और माय टीम टू लॉन्च योर सेलर अकाउंट, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट amazingmarketer24@gmail.com। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो आई विल ऑल्सो शेयर द कम्प्लीट डिटेल्स देयर, आप वहां भी ये सभी डिटेल्स देख सकते हैं। चैलेंज नंबर 3, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। सो यू फिगर आउट अ प्रोडक्ट दैट कंप्लाइज विद द लॉज ऑफ द कंट्री एंड जो अमेजोन पे सेल करना अलाउड है, एंड आप उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लिस्ट भी कर देंगे विद ऑल द करेक्ट कंपैटिबिलिटी, साइजिंग रिलेटेड और अदर इंफॉर्मेशन। बट अगर ऑर्डर आता है तो उसे कस्टमर को डिलीवर कैसे करेंगे? शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काफी सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी वजह से सेलर्स इंटरनेशनली सेल करने से डरते हैं। जैसे शिपिंग के लिए कौन सी कोरियर सर्विस यूज करनी है, कस्टमर को प्रोडक्ट कितने दिन में डिलीवर होगा, क्या प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एक्सेट्रा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अमेजोन आपको दो ऑप्शंस देता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट एंड FBA। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट इज बेसिकली शेल्फ शिप। सो इफ यू सेलेक्ट दिस, तो जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा तब आपको खुद उस कस्टमर को डिलीवर करना होगा। डिलीवरी टाइम डिपेंड करेगा आपके सर्विस प्रोवाइडर पे, बट अगर कोई भी और अदर इशू होता है डिलीवरी में तो डिलीवरी लेट हो सकती है, एंड आपको इसका ट्रैक भी रखना होगा। प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है। जब ऑर्डर आता है तो आपको उसे डैशबोर्ड में रेडी टू शिप मार्क करना होता है, एंड जैसे ही आप प्रोडक्ट डिस्पैच करेंगे तो ट्रैकिंग डिटेल्स एंटर करने होंगे। अनदर थिंग, ग्लोबल सेलिंग के केस में इजी शिप का ऑप्शन नहीं होता है, तो अगर आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप खुद ही ऑर्डर्स डिस्पैच करेंगे। दूसरा ऑप्शन है FBA, जिसमें आप एक साथ अपनी इन्वेंट्री को उस कंट्री के अमेजोन वेयरहाउस में भेज देंगे, एंड जब भी ऑर्डर आएगा तो अमेजोन उसे लोकली शिप कर सकता है, एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होगी। अगर आप FBA यूज कर रहे हैं तो जो भी शिपिंग रिलेटेड इशूज हैं वो FBA में इन्वेंट्री शिप करते टाइम ही रिजॉल्व हो जाएंगे, सो दैट जब ऑर्डर आएगा तो फुलफिलमेंट का कोई इशू नहीं होगा। FBA के केस में एक इशू और इजिली रिजॉल्व हो जाता है, वो है रिटर्न्स का। अगर कोई रिटर्न आता है तो अनलेस आपके पास उस कंट्री का कोई लोकल एड्रेस है जहां कस्टमर रिटर्नशिप कर सकता है, वो रिटर्न्स आपके इंडियन एड्रेस पे ही वापस आएंगे एंड उसकी शिपिंग आपको पे करनी होगी। FBA के केस में रिटर्न्स अमेजोन के वेयरहाउस में ही वापस जाएगा एंड FBA खुद रिटर्न्स हैंडल कर लेगा। यहाँ पे आई वुड लाइक टू क्लियर वन मिसकंसेप्शन, अगर आप ग्लोबल FBA कर रहे हैं तो FBA इंटरनेशनल FBA सेंटर पे इन्वेंट्री आपको खुद भेजनी होगी। अमेजोन आपकी इन्वेंट्री पिक करके उन सेंटर्स पे सेंड नहीं करेगा, बट यस, वो आपको प्रिफर्ड शिपिंग पार्टनर्स की लिस्ट जरूर देता है। आप इन कोरियर सर्विसेज को कॉल करके इनसे रेट्स ले सकते हैं, एंड क्योंकि ये अमेजोन के पैनल पे हैं, इन्हें ऑलरेडी सभी रिक्वायरमेंट्स पता होती हैं जो अमेजोन सेलर्स को पूरी करनी होगी। उसके बाद ऑल यू हैव टू डू कि इस अपनी इन्वेंट्री या ऑर्डर पैक करना होगा एंड शिप करना होगा। इसके अलावा अगर आप UPS के थ्रू शिपमेंट करते हैं, जो कि अमेजोन का वन ऑफ द टॉप लॉजिस्टिक पार्टनर है, तो डायरेक्टली सेलर सेंटर से ही शिपमेंट क्रिएट कर सकते हैं as their service is integrated with Amazon Seller Central Dashboard. Plus, FBA use करते हैं तो Prime Delivery का tag मिल जाता है and उस country में within 3 to 5 days कहीं भी delivery हो जाती है, increasing your chances of orders, जो कि fulfillment by merchant के case में possible बिल्कुल नहीं है। अगर आप North America में sell करना चाहते हैं तो FBA और ज़्यादा beneficial हो जाता है, क्योंकि
आप सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के FBA वेयरहाउस में अपनी इन्वेंट्री भेजकर कनाडा एंड मैक्सिको के कस्टमर्स को भी टारगेट कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स यूजिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड FBA रिमोट फुलफिलमेंट। इस केस में Amazon मैक्सिको एंड कनाडा में भी प्राइम डिलीवरी प्रोवाइड करता है सेम FBA शिपमेंट कॉस्ट पे जो US में अप्लाई हो रही है एंड नो अदर एडिशनल कॉस्ट। ग्लोबल सेलिंग के केस में FBA यूज करने के काफी ज्यादा फायदे हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। चैलेंज नंबर 4, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स। हर कंट्री में इंग्लिश नहीं बोली जाती। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज कुछ और है। इसके अलावा हर कंट्री में अपना कुछ कल्चर होता है, वहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इवन Amazon का ये रूल है कि आप जिस मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं आपको उस मार्केट प्लेस की प्राइमरी लैंग्वेज में ही लिस्टिंग क्रिएट करनी होगी एंड कस्टमर सर्विस भी वहीं की लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा अगर आपको उस मार्केट प्लेस के सेलर सपोर्ट से कम्युनिकेशन भी आता है तो वो भी मोस्टली वहीं की प्राइमरी लैंग्वेज में ही होता है, तो यू शुड बी एबल टू मैनेज इट। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है FBA। अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग मार्केट प्लेस में सेल करना चाहते हैं देन आई हाईली रिकमेंड गो फॉर FBA, क्योंकि उस केस में कस्टमर सर्विस Amazon खुद प्रोवाइड करेगा वहां की लोकल लैंग्वेज में। एंड फॉर लिस्टिंग्स Amazon हैज अ टूल फॉर क्रिएटिंग इंटरनेशनल लिस्टिंग्स जिसका यूज करके आप इजिली कॉन्टेंट ट्रांसलेट कर सकते हैं। अदरवाइज काफी सारी ट्रांसलेटिंग सर्विसेज हैं जिनका यूज करके आप अपना कंटेंट ट्रांसलेट कर सकते हैं। चैलेंज नंबर 5, कंट्री स्पेसिफिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लीगैलिटीज लाइक कस्टम्स ड्यूटीज एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम IEC दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एंड AD जो कि इंडिया से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए मैंडेटरी है, हर कंट्री की भी अपनी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लीगैलिटीज होती हैं लाइक कस्टम्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस। कुछ कंट्रीज में मैंडेटरी इंपोर्टर ऑन रिकॉर्ड्स चाहिए होता है। कुछ कंट्रीज जैसे जर्मनी सऊदी अरेबिया UAE एक्सेट्रा में आपको रेजिडेंट इंपोर्टर ऑन रिकॉर्ड्स शो करना मैंडेटरी है। इसका मतलब है कि या तो उस कंट्री में आपका ऑफिस रजिस्टर्ड होना चाहिए जो कि ये प्रोडक्ट्स उस कंट्री में इंपोर्ट कर रहा है फॉर सेलिंग पर्पस, या वहां का कोई रेजिडेंट अलॉटेड होना चाहिए एज IOR। नॉर्थ अमेरिका मार्केट प्लेस में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अनलेस आप बहुत ही हाई वैल्यू की इन्वेंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन why आई ऑलवेज सजेस्ट टू स्टार्ट विद नॉर्थ अमेरिका। इट इज easier टू स्टार्ट एंड साथ में मेजर लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। चैलेंज नंबर 6, सेटिंग द राइट प्राइस पॉइंट एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन। लोकल मार्केट प्लेस एंड इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में सेल करने में एक मेजर डिफरेंस होता है। मेक श्योर यू आर टेकिंग द शिपिंग चार्जेस इनटू कंसिडरेशन व्हेन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। ऑल्सो करेंसी एक्सचेंज रेट हमेशा फिक्स्ड नहीं रहता। हो सकता है आज एक्सचेंज रेट ज्यादा हो एंड आपने उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट कर लिया, बट जिस दिन आपको ऑर्डर आया या Amazon ने डिसबर्समेंट किया हो सकता है उस दिन आपका एक्सचेंज रेट कम हो जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करें तब थोड़ा सा बफर मेंटेन रखें। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में VAT होता है, कस्टम्स ड्यूटीज या इंपोर्ट टैक्सेस पे करने होते हैं, तो आपको वो चेक करना होगा एंड उन्हें भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर करना होगा। अगर आप Amazon.com पे सेल कर रहे हैं दैट इज नॉर्थ अमेरिका, तो गुड थिंग इज कि वहां MRP का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो लेट से अगर आपके प्रोडक्ट का MRP 1000 रुपी है तो इंडिया में आप उस पे ऊपर सेल नहीं कर सकते, चाहे आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बचे या ना बचे। बट Amazon.com पे आप ज्यादा प्राइस रख सकते हैं, सो आपके पास एनफ स्कोप होता है कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके एंड अकॉर्डिंगली प्राइस सेट कर सकें। आप इस प्राइस को डेली एंड आवरली बेसिस पे भी चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। However, इट इज wisely कि आप ये बहुत ज़्यादा frequently ना करें, अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा ना रखें, प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखें, जस्टिफाइएबल रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस अगर आप अपने प्रोडक्ट का वहाँ पे कोट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके ऑर्डर्स इम्पैक्ट होंगे। चैलेंज नंबर 7, कॉस्ट ऑफ अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। यहाँ दो टाइप के एस्पेक्ट्स हैं, एक तो है किसी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में सेल करना शुरू करने के लिए जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है वो, दूसरा जब आप कोई न्यू ब्रांड या कोई न्यू प्रोडक्ट उस मार्केट प्लेस में लॉन्च करते हैं तो उसकी वैल्यू क्रिएट करना एंड कस्टमर एक्वायर करने का जो कॉस्ट है वो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस में कुछ मंथली फी है एक्सेप्ट इन मिडिल ईस्ट,
इसके बाद मेरे पास सेलर्स की क्वेरीज भी आई कि वो सऊदी अरेबिया एंड यूएई में सेल करना चाहते हैं, एंड आई थिंक हम सब वहीं सेल करना चाहते हैं जहां मंथली फ़ी नहीं है। लेकिन सिर्फ मंथली फ़ी ना होना ही काफ़ी नहीं है, आपको ये भी देखना होगा कि कौन सी कंट्री में क्या लॉज हैं एंड इम्पोर्ट रिलेटेड क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। एग्जाम्पल, मिडिल ईस्ट में रेजिडेंट IOR होना मैंडेटरी है। इसका मतलब है कि आपको वहाँ ऑफिस रजिस्टर करना होगा या वहाँ के किसी रेजिडेंट के सपोर्ट से IOR रजिस्टर करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका भी खर्चा होगा। यूरोप में अगर बात करें तो आपको VAT रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड देन रेगुलरली वहाँ के टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से VAT पे करना होता है, तो अगेन उसका भी अच्छा खासा खर्चा होता है। एंड दिस इज इवन बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग। नॉर्थ अमेरिका के लिए पर मंथ $39.99 की फ़ी है, बट देन वहाँ सेल करने के लिए इस तरीके के कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है जिसके लिए आपको अपफ्रंट एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट देनी पड़े। तो इवन तो कुछ मार्केट्स लुक्रेटिव लगते हैं, बट इन मार्केट प्लेसेस में सेल करने के लिए एडिशनल अपफ्रंट एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। नेक्स्ट इज द कॉस्ट टू अक्वायर कस्टमर्स। जब आप किसी भी मार्केट प्लेस में लिस्टिंग करते हैं तो वो एक न्यू लिस्टिंग होती है, इवन अगर आप वो प्रोडक्ट ऑलरेडी दूसरे मार्केट प्लेस में सेल कर रहे थे एंड उसकी कुछ वैल्यू बन चुकी थी, वो वैल्यू नए मार्केट प्लेस में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। रिव्यूज़ भी मार्केट प्लेस स्पेसिफिक ही होते हैं, तो जब भी आप किसी न्यू मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू स्क्रैच से क्रिएट करनी होगी। प्रमोशंस करने होंगे टू गेट कस्टमर्स। इसके लिए ज़रूरी है कि उस मार्केट प्लेस में आपके प्रोडक्ट के लिए कितना कॉम्पिटिशन है एंड कितनी डिमांड है उसका अंदाज़ा भी आप लगा लें। बट वन गुड न्यूज़, अगेन नॉर्थ अमेरिका इज अ प्रेफरेबल मार्केट अगर आप ग्लोबल सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वंस यू लिंक योर amazon.in एंड amazon.com अकाउंट्स तो आप amazon.in पे जो एसिन्स हैं उन्हें amazon.com पे भी माइग्रेट करवा सकते हैं, विच हेल्प्स यू टू गेट अ बेटर स्टार्ट। चैलेंज नंबर 8, मार्केट साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल। सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि आप चाहे किसी भी मार्केट प्लेस में सेल करें, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट या कोई और, कुछ ना कुछ अपफ्रंट कॉस्ट तो रहेगी एंड साथ में डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग की कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर एफर्ट एंड मनी इन्वेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली उसे रिकवर करना भी ज़रूरी है। मान लीजिए एक मार्केट प्लेस में सेल करने के लिए आपको $50 इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं एंड दूसरे में सिर्फ $30, लेकिन पहला मार्केट प्लेस बहुत बड़ा है, उस मार्केट प्लेस में आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत डिमांड है एंड उसका कस्टमर बेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन सेकेंड मार्केट प्लेस न्यू है एंड उसमें कॉम्पिटिशन तो कम है बट अभी कस्टमर बेस कम है एंड आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी सो है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मार्केट प्लेस बेटर है टू एक्सपैंड योर बिजनेस? यस, फर्स्ट मार्केट प्लेस। इन्वेस्टमेंट भले ही ज़्यादा है बट उसके रिकवर होने के एंड वहाँ पे अपने ब्रांड को ग्रो होने के जो चांसेस हैं या जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। सो इवन दो स्टार्टिंग में ये इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा लग रहा है, ओवर द टाइम ये इन्वेस्टमेंट आपकी अर्निंग के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। आपने देखा होगा कि आपको ज़्यादातर इंडियन सेलर्स amazon.com पे ही सेल कर रहे हैं कंपेयर टू अदर इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस। इसकी एक वजह तो यही है कि नॉर्थ अमेरिका के लिए इम्पोर्ट स्पेसिफिक कोई अदर मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है एंड टैक्सेशन की कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। इसके अलावा जब हम मार्केट साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है एंड amazon.com से सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज के भी लोग परचेज करते हैं। नॉर्थ अमेरिका सबसे पुराना मार्केट प्लेस है एंड ऑलरेडी पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड है। इसके अलावा वहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, विच मेक्स इट अ ग्रेट मार्केट प्लेस टू स्टार्ट। चैलेंज नंबर 9, एवरग्रीन पोटेंशियल ऑफ योर प्रोडक्ट एंड स्पीड टू मार्केट। अभी तक हमने मोस्टली मार्केट प्लेसेस के बारे में बात करी है, लेकिन जब आप ग्लोबली सेल करते हैं तो वहाँ एक कंसेप्ट आ जाता है स्पीड टू मार्केट। इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट करने के बाद प्रोडक्ट को एक्चुअली उस मार्केट प्लेस पे सेलिंग के लिए अवेलेबल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। लेट से आप चाइना से कोई प्रोडक्ट बल्क में ऑर्डर करते हैं, ऐसे में आपको इन्वेंट्री मिलने में आराम से 3 महीने तक लग सकते हैं। इसके बाद आप इन्वेंट्री इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के FBA वेयर हाउस में भेजेंगे तो अगेन इस प्रोसेसिंग में भी आपको टाइम लगेगा। इसके अलावा हो सकता है कि कभी आपके पैकेज को कस्टम क्लियरेंस ना मिले टाइम पर,
तो वहां भी और डिले हो जाएगा। तो ये 3-4 महीने का टाइम है प्रोडक्ट फाइनल करने से लेकर प्रोडक्ट को एक्चुअली सेलिंग के लिए अवेलेबल होने तक का। इसे स्पीड टू मार्केट बोलते हैं। वैसे लेट मी क्लियर दिस, आप चाइना से या कहीं और से डायरेक्टली भी नॉर्थ अमेरिका के FBA में इन्वेंट्री भेज सकते हैं टू कट डाउन द टाइम एंड एक्सपेंस, बट मेक श्योर कि आप सभी डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मेलिटीज विद इन पॉलिसी रहकर कंप्लीट कर रहे हो। नाउ लेट सी कि स्पीड टू मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या है। यूजली हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते टाइम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को देखते हैं या कई बार सीजनल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है जो कि ऑलरेडी पीक डिमांड पे है, मोस्ट ट्रेंडिंग है एंड आपको डील भी बहुत अच्छी मिल गई है, बट जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा, जब तक आपकी लिस्टिंग सेलिंग के लिए एक्टिव होगी, तब तक एग्जिस्टिंग सेलर्स जो ऑलरेडी अपनी वैल्यू बना चुके हैं उनका काफ़ी स्ट्रांग होल्ड हो चुका होगा। इसके अलावा हो सकता है कि तब तक उस प्रोडक्ट का ट्रेंड फेड होना शुरू हो जाए। ऐसे में आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन तो अच्छा था बट स्पीड टू मार्केट बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप उस ट्रेंड का फायदा नहीं उठा पाएंगे एंड हो सकता है कि आपकी इन्वेंट्री पूरी सेल आउट ना हो पाए। वहीं अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप उसी मार्केट प्लेस की कंट्री में ही प्रोक्योर करके तुरंत सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो आप बढ़ते ट्रेंड का या सीजन का एडवांटेज ले सकते हैं। सेलशिप के केस में अगर आप कोई प्रोडक्ट लोकली सोर्स कर रहे हैं एंड आपको उसकी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट एज अ सेफ बेट हमेशा एवरग्रीन प्रोडक्ट्स से ही स्टार्ट करें। एवरग्रीन प्रोडक्ट का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो हमेशा डिमांड में रहते हैं एंड ऑल थ्रू द ईयर सेल आउट होते हैं। इससे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर मेरी शिपमेंट ज़्यादा डिले हो गई तो क्या होगा। ऑल्सो किसी भी लिस्टिंग की वैल्यू बनने में टाइम लगता है एंड इन्वेस्टमेंट भी लगता है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस। जब आप कोई एवरग्रीन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस लिस्टिंग की वैल्यू बनाने में जो टाइम एंड मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। इट विल नॉट गो वेस्ट, आप उसकी सेल्स ईयर ओवर ईयर ग्रो कर सकते हैं। बट अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कि सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है तो आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे, सेल्स तो होंगी एंड आप कुछ प्रॉफिट बना लेंगे, बट देन दैट्स इट। जब वो ट्रेंड खत्म हुआ तो उस लिस्टिंग की वैल्यू का भी कोई फायदा नहीं है, अब आपको फिर से नए प्रोडक्ट पे एफर्ट करना पड़ेगा। बट यस, गुड पार्ट ऑफ सेलिंग इंटरनेशनली इज दैट इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट दैट इज सीजनल, मतलब जो सिर्फ किसी एक सीजन में यूज होता है, तो दुनिया में कहीं ना कहीं तो उसका सीजन होगा ही। एंड अगेन, नथिंग बेटर देन नॉर्थ अमेरिका फॉर दिस पर्पस, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ही सीजन्स का इतना वेरिएशंस है कि कहीं ना कहीं डिमांड होगी। एंड बेस्ट पार्ट, US से बाहर के लोग भी amazon.com से परचेज करते हैं। देन देर आर सम प्रोडक्ट्स जो सीजनल होते हैं इन टर्म्स ऑफ हॉलीडेज, ओकेजन्स या फेस्टिवल्स। ऐसे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि निश बहुत छोटा ना हो या बहुत ही स्पेसिफिक ओकेजन्स के लिए ना हो, क्योंकि इसमें रिस्क रहेगा। आपके पास एक बहुत छोटी विंडो होगी जिसमें आपको अपनी पूरी इन्वेंट्री सोल्ड आउट करनी होगी। तो अभी आप अगर ग्लोबल सेलिंग शुरू करना चाहते हैं तो टेक माई एडवाइस कि स्टिक टू एवरग्रीन प्रोडक्ट्स। बाकी आप amazon.com पे बेस्ट सेलर लिस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चैलेंज नंबर 10, इंटरनेशनल अकाउंटिंग। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अकाउंटिंग से तो नहीं बच सकते। जैसे इंडिया में सेल करने के लिए आपको GST रजिस्टर करना होता है एंड टाइम टू टाइम GST फाइलिंग भी करनी होती है, उसी तरह हर कंट्री के अपने टैक्सेशन के रूल्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में आपको एडिशनल टैक्स फाइलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दूसरे मार्केट प्लेसेस के लिए कुछ कंप्लाइंसेस हैं लाइक VAT और रेजिडेंट IOR, जिस केस में आपको कंट्री स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप में सेल करने के लिए VAT मैंडेटरी है एंड जिस तरह आप इंडिया में GST रिटर्न्स फाइल करते हैं उसी तरह वहाँ VAT रिटर्न्स फाइल करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया मार्केट प्लेस रिलेटिवली न्यू है एंड रिसेंटली बायलेटरल ट्रेड्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, सो हो सकता है कि फ्यूचर में वो भी एक फेवरेबल ऑप्शन बन जाए हम इंडियन सेलर्स के लिए। बट फिलहाल अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं दूसरी कंट्रीज़ के अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन प्रोसेस फॉलो करने के लिए, देन आप इन मार्केट प्लेसेस को ट्राई कर सकते हैं। एल्स टू स्टार्ट अगेन, आई वुड से कि आप amazon.com से स्टार्ट करें। वंस यू स्टार्ट जनरेटिंग सेल्स एंड वहाँ पे थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएं, उसके बाद ट्राई करिए दूसरे मार्केट प्लेस में अपने आप को एक्सपैंड करने का। इन एनी केस आपको ये सब खुद नहीं करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के लिए Amazon के सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं जिन्हें प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है कि कौन सा प्रोसेस कैसे
एंड कहां से होगा, वो आपको सभी प्रोसेसेस स्मूथली करने में हेल्प कर सकते हैं। इफ यू नीड हेल्प फाइंडिंग अ ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई ईमेल आईडी amazingmarketer24@gmail.com। चैलेंज नंबर 11, सोशियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। ग्लोबल सेलिंग से डेफिनेटली स्कोप तो बढ़ता है ग्रोथ का, सेल्स का, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दुनिया में रोज कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे फेवर में होते हैं और कुछ से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप ग्लोबली सेल कर रहे हैं तो खुद को अप टू डेट रखें। कोविड की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड होना, चाइना से इम्पोर्ट बैन होना, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से वर्ल्ड ओवर ट्रेड से इम्पैक्ट होना, ये कुछ रीसेंट ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से ई कॉमर्स मार्केट पे भी इम्पैक्ट हुआ है। वर्ल्ड ओवर बहुत सारे सेलर्स चाइना से प्रोडक्ट्स सोर्स करते हैं, ऐसे में चाइना से सप्लाई बंद होने की वजह से बहुत से सेलर्स का नुकसान हुआ है। बहुत सारे सेलर्स को ऑल ओवर अगेन नए सप्लायर्स ढूंढने पड़े जिसमें उनका बिजनेस काफी हैम्पर हुआ। कई बार कुछ कंट्रीज में टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लॉज में चेंजेस हो जाते हैं, जैसा कि हाल ही में नेपाल ने कुछ लग्जरी आइटम्स के इम्पोर्ट पे रोक लगाई है। इंडिया में भी टाइम टू टाइम टैक्स रिलेटेड एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड चेंजेस होते हैं, सो यू हैव टू स्टे अलर्ट एंड अपडेटेड अबाउट दीज चेंजेस, क्योंकि आपकी अपनी कंट्रीज के लॉज, जिस मार्केट प्लेस में आप सेल करना चाहते हैं एंड जहां से आप प्रोडक्ट प्रिक्योर करना चाहते हैं, उन कंट्रीज के लॉज, इन सभी कंट्रीज के करंट सिचुएशंस, सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा टू एंश्योर कि आप टाइमली सही डिसीजंस ले पाए। बट अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन भी होगा, तो इस इश्यू से कम इम्पैक्ट हो उसके लिए आई हैव टू एडवाइस। पहला, ट्राई टू सोर्स लोकली एज मच एज पॉसिबल। आजकल के ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए आई वुड सजेस्ट कि आप जितना हो सके इंडिया से ही प्रोडक्ट सोर्स करने की कोशिश करें, क्योंकि नो डाउट चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करना काफी लुक्रेटिव होता है, बट उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, स्पेशली इफ यू आर जस्ट बिगनिंग। तो फॉर मल्टीपल रीजन इट इज बेटर कि आप लोकली सोर्स करें। नंबर टू, गो फॉर FBA। अगर आपकी इन्वेंट्री ऑलरेडी उसी कंट्री के वेयरहाउस में है एंड वहीं से ऑर्डर फुलफिल होने हैं, तो अगर बीच में कहीं सप्लाई चेन का कोई इशू होता है या किसी कंट्री से इम्पोर्ट बैन होता है और एनी सच इशू, तो आपको मिनिमल इम्पैक्ट होगा। दिस इज अनदर थिंग यू कैन डू। आप जिस कंट्री में सेल करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप उसी कंट्री में चीपली सोर्स करके वहां पे FBA में डायरेक्टली भिजवा सकते हैं, देन गो फॉर इट। इससे आप सप्लाई चेन इश्यूज एंड जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट से बचे रहेंगे। सो यस, सेलिंग इंटरनेशनली बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रपोजल है, इसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं एंड बहुत ही वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है, बट देयर आर चैलेंजेस एंड कुछ चैलेंजेस वाकई में थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। सबसे इंपॉर्टेंट है टू नो दीज चैलेंजेस सो दैट आप करेक्ट स्टेप्स ले पाएं एंड सही तरह से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएं। वंस यू नो कि आप कौन सा चैलेंज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिलीव मी देयर आर रियली गुड सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट जो कि अमेजोन सेलर्स को असिस्ट करने में स्पेशलाइज करते हैं। एंड एक्चुअली अगर आप सभी चैलेंजेस को सही से समझेंगे तो यू विल रियलाइज कि द बेस्ट मार्केट प्लेस टू स्टार्ट विद इज नॉर्थ अमेरिका। एंड अगर आप amazon.com पे FBA करते हैं तो आप मोस्टली चैलेंजेस को एनीवेज बाईपास कर लेंगे, जो कि मैंने आपको चैलेंजेस के साथ साथ भी बताया है। इसके अलावा FBA के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप amazon.com पे सेल कर रहे हैं तो, विच मेक्स इट्स अ रियली गुड ऑप्शन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद ग्लोबल सेलिंग। FBM एंड FBA फॉर ग्लोबल सेलिंग पे मैं अलग से एक डिटेल वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें आई विल टॉक अबाउट दीज बेनिफिट्स। साथ ही amazon.com एक established एंड सबसे पुराना मार्केट प्लेस है जहां से दुनिया भर के लाखों कस्टमर रोज शॉपिंग करते हैं, तो ग्रोथ पोटेंशियल या मार्केट साइज बहुत बड़ा है एंड अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, amazon.com एक मेच्योर मार्केट प्लेस होने की वजह से इस पे रिटर्न रेशियो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू इंडियन मार्केट प्लेस। ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी गुड। एंड ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो जब आप amazon.com पे सेल करना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वाकई में amazon.com पे सेल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑल यू नीड टू स्टार्ट सेलिंग ऑन amazon.com आर द बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। So if you are serious about going global and expanding your business, but you are feeling lost,
कि कहां से एंड कैसे शुरू करें। तो हेयर इज व्हाट यू शुड डू। सबसे पहले लास्ट वीडियो में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उन्हें अरेंज करिए एंड अमेजोन ग्लोबल के लिए रजिस्टर करिए। देन टैकल ईच प्रॉब्लम वन बाय वन। अगर उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, प्रोसेसेस समझ नहीं आ रहे हैं या डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करने में कोई आपको इशू आ रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं भी ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट सर्विस हम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए भी पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप अमेजिंग मार्केटर के थ्रू आप अपना ग्लोबल सेलर अकाउंट लॉन्च करने के लिए मुझे amazingmarketer24@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या तो खुद करिए या किसी की हेल्प लीजिए, बट सक्सेसफुल ग्लोबल सेलर बनना है तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा बॉस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इतना तो बनता है। एंड फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।